गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फ्राइडे और ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। अभी चाय के प्रिपरेशन चल रहा है, सो अभी मिल्क टी पीना है विथ ब्रेकफास्ट। सो सैंडविच के साथ मिल्क टी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सब देख रहे हैं कि मैं लंच का प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया है और आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी विथ प्रॉन। मैंने राइस बना लिया है, हम लोग इसको बोलते हैं लाउ चिंगड़ी, तो एक बंगाली डिश है और मेरे सबसे फेवरेट डिश है, और बाकी का भी, मतलब अश्मिता का भी और मेरे हस्बैंड का भी। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ज़्यादा मतलब कड़ा करके फ्राई नहीं करना है, थोड़ा नरम फ्राई इसको करना है। तो इसी ऑयल में मैं दे रही हूँ काला जीरे और अभी मैं दे रही हूँ तेजपत्ते और सिनेमन स्टिक। तो हल्का सॉटे करने के बाद ही मैं दे रही हूँ लौकी। मैंने यहाँ पे लौकी को ऐसे लंबा लंबा पतला पतला करके काटी हूँ ताकि जल्दी से लौकी पक भी जाए और मुझे एक्स्ट्रा पानी देके उसको बॉयल ना करना पड़े। तो ऐसे करके काटने से जल्दी लौकी भून भी जाता है अच्छा, और लौकी से पानी भी निकल जाता है। और अभी मैं दे रही हूँ हल्दी पाउडर और इसके अंदर मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट दे रही हूँ ताकि लौकी नरम हो जाए और थोड़ा सा पक भी जाए। तो अच्छी तरह जो मसाला है वो मैं लौकी को पूरा कोट कर रही हूँ। तो मैंने अभी इसके ऊपर दे रही हूँ जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और लौकी को अच्छी तरह उससे मिला रही हूँ। इसको एक्चुअली मैंने ढक के पकाया हूँ ताकि लौकी के अंदर जो पानी है वो निकल जाए, और देखिए थोड़ा सा ड्राई ड्राई भी हो रहा है। अभी मैं एकदम थोड़ा सा पानी दे रही हूँ ताकि मैंने जो मसाला उसमें डाली हूँ वो जल ना जाए। अभी मैं उसके ऊपर कवर कर दूँगी और 2-3 मिनट के लिए मैं लौकी को पकाऊँगी। दिवाली टू एवरीवन, आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली ऐसे मनाया जाता है, बट सिचुएशन ऐसा है कि मैं चाह रही थी कि जो छोटा जो लाइटिंग है वो मैं बाहर दे दूं, लेकिन बारिश शुरू हो गया। अभी बारिश का सीन आपको दिखाते हुए चलिए कि बारिश कैसे हो रहा है, देखिए कितना बारिश हो रहा है। दिवाली के टाइम पे बारिश होना क्या अच्छा लगता है क्या, पूरा दिवाली खराब हो जाएगा एकदम। हर साल चाहे वो अक्टूबर हो चाहे वो नवंबर हो, दिवाली के टाइम पे बारिश होता ही है। तो यहाँ पे लंच तैयार है, ये है लाउ चिंगड़ी लौकी और प्रॉन से बना, और यहाँ पर है मसूर का दाल और राइस तो है। सो अभी मुझे इससे पापड़ बनाना है तो लंच रेडी हो जाएगा। तो लंच शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए।
बैक टू द चैनल। आज है भूत चतुर्दशी, तो मेरे तरफ से सभी लोगों को हैप्पी भूत कामनाएं। मॉम, भूत कामनाएं क्यों? भूत कामनाएं तो होता है ना, शुभ कामनाएं हो सकते हैं क्या? उन लोगों के लिए शुभ तो नहीं है ना, तो सभी को भूत कामनाएं मैंने बोल दी। तो आप लोग बताएगा कि मैंने सही बोला है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं यहाँ पे 14 दियास रेडी कर लिया है, और मतलब मैं जला रही हूँ, और हर एक घर की जो दरवाजे की जो कोने हैं वहाँ पे मुझे इसको रखना है। और कल मार्केट से मैं जो ख़रीदी हूँ वो यही है, भगवान जी की कप्र है, फिर माला है, और ये हम लोग खोई बोलते हैं, खोई, और ये है बाताशा, और कुछ रंगोली की सामान मैंने लिया है, और एक है भगवान जी की जो मंदिर है वो मंदिर में लाइटिंग एक है जो मैंने ख़रीदे है। यहीं पे फिनिश करते हैं आज का ब्लॉग। कल मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड एंजॉय दिवाली और दीपावली। मैं अलग से रखूंगी क्योंकि कल ऐसे शाक जो बोलते हैं ये खाना शुभ रहता है, तो कल हम लोग खाएंगे। इसके लिए मुझे ये पत्ता तोड़ के अलग से रखना है। Okay, then see you tomorrow. Bye.